दोस्तों, क्या महायुति को चुनाव पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जितवाया है? क्या जब डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई के पद पर थे तो वो बीजेपी के इशारों पर अपना फैसला सुनाते थे? ऐसा इसलिए क्योंकि शिवसेना उद्योग गुट के नेता संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी की हार का ठीकरा पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर फोड़ा है। उन्होंने हार का जिम्मेदार चंद्रचूड़ को ठहराया है। संजय राउत का आरोप है कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से दायर अयोग्यता याचिका पर फैसला सुनाने में देरी की वजह से हमारी हार हुई है। अगर चंद्रचूड़ समय पर फैसला सुनाए होते तो आज महाराष्ट्र की तस्वीर अलग होती। सुनिए संजय राउत ने क्या आरोप लगाया है। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहाँ से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है दूसरी पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। संजय राउत का कहना है कि अगर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ समय पर अपना फैसला सुना देते, यानी जो बीजेपी ने तोड़फोड़ की राजनीति की है और जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया है, 40 विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, इस पर समय रहते फैसला सुना देते तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। महाविकास अघाड़ी अच्छे बहुमत के साथ सरकार में आती। दोस्तों, कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह शिवसेना का दो गुटों में बंटना है। महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को असली शिवसेना माना है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली, इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को नकार दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि अगर महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे गुट को असली शिवसेना नहीं मानती तो इसका रिजल्ट लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलता। शिवसेना के दो धड़ों में बंटने के बाद पहला इलेक्शन था। लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को 48 सीट में से सिर्फ 17 सीट मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली थी, यानी 13 सीटों का फर्क था। लेकिन 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे उल्टे आए। 288 सीटों में से महाविकास अघाड़ी 46 सीटों पर ही सिमट गई। दोस्तों, संजय राउत नतीजा आने के बाद से ही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ तो खेला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी के लिए कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा है। उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में अब ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास अघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है। 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया तो अचानक एक घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते। संजय राउत के साथ विपक्षी कई नेता महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से संतुष्ट नहीं है। स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि जब ईवीएम मशीन को मतगणना के लिए खोला गया तो 99% चार्ज थी, ये कैसे हो सकता है? स्वरा भास्कर ने ट्वीट करके चुनाव आयोग से इसका जवाब भी मांगा था। दोस्तों, अब सवाल है कि ईवीएम पर संजय राउत के साथ विपक्ष कई और नेता जो आरोप लगा रहे हैं, क्या सच में धांधली हुई है? क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा हुआ है? बीजेपी ने कुछ खेला किया है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।